पर कादो कुछ अंदर की डेल भी होगी। हेलो 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 एवरीवन, मैंने जस्ट व्लॉग अपलोड करा है बिकॉज कल रात को मेरा वाईफाई चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। रात को मैसेज आता है एयरटेल वालों का कि 4:30 बजे तक ठीक हो जाएगा। मैंने 4:30 तक वेट भी करा तब भी ठीक नहीं हुआ, फिर आया 7:25 तक ठीक हो जाएगा, फिर तो मैं सो गई। अभी सुबह उठ के देखा तो कह रहे हैं कि 6-7 बजे तक ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कैसे ना कैसे करके व्लॉग अपलोड करा है आप लोगों के लिए। शूट वगैरह करने नहीं जा पा रहे हैं बाहर, डेली सिर्फ जाते थे क्योंकि पोलू का जो गिम्बल है जिससे शूट होता है वो खराब हो चुका है, तो आज वो नया गिम्बल भी लेने गया है। हाँ, मैं सो के उठा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने और मैं आया था इसी को लेने के लिए ताकि मेरा सलोन में टाइम पास हो जाए। उसे ये चीज़ पता नहीं है, जब कोई क्लिप देखेगी तो चिढ़ जाएगी, बट कोई नहीं, टाइम पास भी जरूरी है। और मैं उसके घर के नीचे हूँ इस टाइम, स्टार बॉय की बुलेट है, अभी अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ मैं स्टार बॉय के घर पे। हेलो, तो आज मैं और विशाल जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, बाइक राइड पे, सॉरी। इसी से चल रहे हैं क्या फिर? नहीं भाई, ये स्टार बॉय की बाइक है और ये बंदा अपनी बाइक में तेल नहीं रखता, इतना कंजूस है, पूछो मत। अभी आएगा तो पूछ लियो क्यों मैं कंजूस। स्टार बॉय इज हियर। अंदर कैसे डालूं? बाहर ही खड़ी कर दे, मेरी भी तो निकलेगी। इसकी बाइक कैसे निकलेगी? ये वाली किस कार है ना, थोड़ी सी ये पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं किसकी गाड़ी में जाके बैठ गया, किसकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। है बाइक दे दे मेरी, कैसे मजे ले रहा है मेरी बाइक से। गियर लगाते बंद, तेरे को कर छोड़नी नहीं आ रही, वो क्लच छोड़ना नहीं आ रहा तेरे को। क्लच पे है। हाँ चल गया भाई, हर बुलेट चलाता है सोच ले। देखो कितना गंदा है ये, बस कर ये क्या है, मैं तो कह रही इनको हटाओ यहाँ से, हटा दो ये चंपी वंपी मत करना, सीधा हेड वॉश करके बाल काट दो उसके। हेड वॉश हो गया? चल जल्दी कटवा, जल्दी टाइम नहीं है बिल्कुल मेरे पास, 15 मिनट है मेरे पास बस। नहीं भैया समझा करो, 15 मिनट है, फटाफट काट दो लड़ियों को, तो भाई तसल्ली से नहीं काटता तो फटाफट काट देता लड़ियों का, मैं क्यों लाऊं। पर मेरा मन पता क्या कर रहा है खाने का, कोरियन फूड। तो तू कहना ये चाह रही हूँ कि मशीनों की तीन नहीं चाहते, बट मैंने कैफे ढूंढा है, कोरियन खाना मिलता बहुत तगड़ा। सॉरी मेरा बजट ही खत्म हो गया खाने पीने का, खाने पे कभी मना नहीं करते। खिला दियो ठीक है, मैं खिला भी दूंगी, तू चलने वाला बन। तू खिला दियो, लिखियो मत। मैं लिखूंगी नहीं, चलने वाला बनियो बस। कब बताओ ना पासवर्ड, वाईफाई लगवा लिया भैया, लगता है ज्यादा कमाई हो रही है आजकल। ये भैया ले आए अपने अंजर पंजर, इतने सारे, इतने सारे की जरूरत नहीं है, बट भैया इतने सारे यूज भी नहीं होंगे। ये सारे यूज होंगे यार, मैं कैसे निकाला ये वो नहीं है, ये वाला इसका पासवर्ड मुझे नहीं। क्या निकालना है तेरे को? हेयर कट चेप करके लाया था मैं। ओ कट दिखा, हेयर कट तो निकाल के लाया है, कर दो क्या मैं करूँ? कर दे। ये क्या तो गंजा है पीछे से। हेयर कट डिसाइड कर रहे हैं, ये वाला हेयर कट दिखा है अब भैया कुछ बता रहे हैं, बताओ। उसके लिए ना आपके सारे हेयर शॉर्ट करने पड़ेंगे, और जो आपके ऊपर शॉर्ट का तो कोई बीच के तो करने ही, क्यों बीच के तो उसके भी बड़े हैं। जो ये आपका जो ये है ना बैक पार्ट, हाँ इसे तो शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों? जितने यहाँ तक है, क्योंकि देखो आपका हेयर जो है ना उसमें पूरा फेडेड है, हाँ तो उसके लिए जो ये आपका सेपरेट पार्ट है इसे हमें शॉर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो लुक नहीं आ सकता। मेरे आगे के तो बड़े रहेंगे, आगे के आपके लोग, और जो मैं अपने जो खड़े रखता हूँ बाल वो भी वो लुक वो लगे, वो भी तो कर दो, क्या दिक्कत है? ऐसे जुल्फे भी काटने हैं, अबे जुल्फे तो निकालनी पड़ती है, जुल्फे तो लॉन्ग हेयर रहेंगे, फ्रंट का लॉन्ग रहेगा तो निकल जाएगा। लड़कियाँ सेट कर लूंगा, लड़कियाँ सेट कर लूंगा, सेट कर लूंगा। किलेसरी है, मुंडी तोड़ दे रही, सो के उठी किलेसरी है और चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट कपल के साथ गर्ल को एक हेड वॉश। इसका कपल कहाँ आया? इसकी कोई गर्लफ्रेंड आई? मेरी गर्लफ्रेंड आई नहीं, तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। भाई आपकी बुला उसको फटाफट, मेरे को हेयर वॉश करना, किसी को फ्री हेयर वॉश कराना हो तो मेरी गर्लफ्रेंड बनके आप आ सकते हो यहाँ पे। प्रमोशन को प्रमोशन कह रहा हूँ, क्या कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी आ जाओ, चाहे भैया की बन जाओ चाहे मेरी बन जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड जरूरी है भाई। कराते हैं हाँ, छपरी बता दिया अभी भैया ने तो तुझे नहीं बताया मैंने, पर जो तू कर चाह रहा है जो चाहता है पार्ट है ना, इधर से जो ये गिरते हैं जुल्फे, बट भैया इसको साइड से गंजा मत करना, बहुत बुरा लगेगा। नहीं साइड का हमको, साइड का कुछ मत करना। आप लोगों के पास ऐसी लड़की मिलेगी जो हेयर कट कराने के साथ बैठी हुई है? स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों लाया हूँ तेरे को,
क्यों लाया? क्यों, क्या पता? मुझे नहीं पता क्यों लाया भाई। जब एडिट हो जाएगा ब्लॉग तब देख लियो। अपने मतलब के लेके आया है? मैं तो सोची मैं तो इसलिए आ जाती हूँ ताकि इसको थोड़ा टाइम पास हो जाए तुम्हारे साथ। तो मैंने भी बोला टाइम पास के लिए आया हूं। ओए तुम्हारे साथ आ जाते हैं कटिंग कराने, मेरे साथ तो कोई खाने भी नहीं जाता। कहां कुछ भी खाने, तुम कब ले गए? ये कह रहे हैं कि ऐसे मैं जरा कटिंग कराने आ जाती हूं। अच्छा, उनके तो लड़की खाने में ही जाती है। कोई भूखी लड़की आ जाती है तभी सोचो एक घंटा कैसे लग रहा था आपको हेयर कट करने में, आधे घंटे में बातें कर रहे हो उसके बाद डेढ़ दो घंटे लगा। अगर आपकी अपॉइंटमेंट मान लो कोई दूसरा बंदा खड़ा हो तो बैठा ही रह जाए दो ढाई घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास बहुत ज्यादा स्टाफ है। अगर आपसे करवाना हो तो मुझसे कराना पड़ेगा तो अलग चार्जेस है उसके, अलग चार्जेस लगेंगे और टाइम लगेगा। आपसे 1000 रुपए एक्स्ट्रा है ना आपसे कराने के, और कुछ अंदर की डील भी होगी। क्लिपे लग गई, ऐसी रख ले बस। शतरमुख सा पता, साहू के घर में सांप मिला है? सोता है ना उसी कमरे में सांप मिला है। उसके गली घर के अंदर सांप, क्योंकि चार उसके वहाँ खाली प्लॉट है, बंदे ने लिया होगा किसी काम वाम के लिए, स्कूल बनाने के लिए लिया था वो ना। बम्बी होगी, बम्बी का बहुत सारे पेड़ में उड़ गए। सांप का ना हब होता है, अरे सांप तो कहीं भी पैदा हो जाते हैं जहाँ उन्हें मतलब बंजर को मिल गए ना वही मिल जाएंगे। मेरे नेल्स जो है ये रियल है, एकदम रियल, पर आज मैं इनको थोड़ा शेप में करवा के नेल पेंट लगवा रही हूँ। भैया कितना मतलब वो करते हैं यार, कहने जा तू मित्र से लगवा ले कुछ मत कर बस। भैया वो पैसे दे देगी। अरे नहीं नहीं, कह रहे बस वहां जाके नाम लेती हूँ, आमिर आमिर नाम ले दे बस, नाम ही काफी, सब पागल हो जाएंगे। देखो तो ग्लॉस ब्लैक कलर की कितनी बुरी लगती है आज के टाइम पे, आजकल तो ब्राउन चल रहा है, व्हाइट पर्पल चल रहा है, पेस्टर ग्लॉस ब्राउन पर्ल्स वाला पता पता है नहीं चल पाए। तो भाई जिन जिन को डाउट है अभी भी, भाई मेरे रियल ही है भाई, एक बार आप भी बता दो रियल है है ना, लोग फिर बोले और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, आप सजेस्ट करो दी। ये थोड़ा ना वो है मतलब मेरा थोड़ा नियॉन ग्रीन है जो मैंने पसंद किया था, ये नहीं था। हाँ इसमें आपके पास है, मेरा थोड़ा नियॉन, ये पिंक कैसा लगेगा? ये मैं कुछ ऐसा करवा रही हूँ नेल पेंट जिसमें मैग्नेट की वो पड़ती है, जो नेल पेंट मैंने लगवाई ना इसमें आयरन है और मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, फिर उस हिसाब से भैया पूरा लुक देंगे। ये भी टैलेंट है भाई, एक मैंने पहली बार देखा है कुछ ऐसा, सही बताऊँ तो। ओह माय गॉड, यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये क्या छोटा सा मैग्नेट है, तो क्या होता है इससे? मेरी नेल पेंट में आयरन है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, फिर उस हिसाब से भैया नेल पेंट शुरू कर रहे हैं। विशाल अगर मैं ऐसे से हाथ करूंगी नेल वो कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो रहा है। देखो ब्लू दिख रहा है, ब्लैक हो रहा है, ब्लैक मेरे को तो पिंक दिख रहा है, पिंक आ रहा है। कर दिया मैंने पागल सबको, नखून अभी तक हुए नहीं और मुझे लग रही है गर्मी और बाकी सबको भी। तेरी वजह से बंद करके बैठे हैं एसी, पता है तेरे को? नहीं और क्या, यहाँ पर मेरा भी एसी बंद है, चलाना एसी चलाना यार, गर्मी में क्यों बिठा रखा भैया जब से, फिर इसका हो चुका है एक हाथ पूरा, इससे ज्यादा नाखून तो मेरे अच्छे हैं देखो। इसके नाखून भी नहीं होएगा कुछ नहीं, मैं मेरे को स्टार बॉय नहीं, मेरे को स्टार बॉय नहीं बनना। मैं आई थी पानी पूरी खाने, मेरा कल भी इतना क्रेविंग हुई थी जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आई हूँ मस्त, खा ली मैंने पानी पूरी। और ये देखिए विशाल, विशाल मिला मेरे को, ये छोड़ छाड़ के बताती कहीं घूम रहा था बाहर। इस बंदे ने बोला कि तू रुक मैं वहीं पर आ रहा हूँ गोलगप्पे वाले भैया पे, मैं खुद पैदल चल के वहाँ तक आ गई। तो देखो वहाँ बातें कर रहा है भैया से, अब मुड़ेगा तो 10 घंटा पहले बातें कर ले, जब से खड़ी हुई वहाँ पर। तू पागल है क्यों, बातें क्यों करते रहते 24 घंटे? दिख नहीं रहा खड़ी हुई वहाँ पर, गोलगप्पे खाने और क्या करूंगी। मैंने अभी गोलगप्पे नहीं खा रही कि मैंने अभी जस्ट खाया था, भैया कहे गोलगप्पे नहीं खा रही मेरे से। कांग्रेचुलेशंस टू पोलू, पोलू कितनी गर्मी लग रही है भाई, अलग चीज लाया है, मतलब पहले इसके पास दूसरे वाला गिम्बल था, अभी थोड़ा और बहुत कुछ दाव पे लगा के लाया है गिम्बल पर, अभी से पूरा महीना पैसे निकालना है थस्से में। अति गंभीर माहौल हो रखा है क्योंकि ये सेट नहीं हो रहा, पैसा दे के गिम्बल लाओ फिर एक घंटा उसमें माथा पट्टी करो सेट करने में, लड़की सेट करने से ज्यादा मुश्किल लगा। क्या चाहिए आपको? मम्मी को बुला ले जाओ।
मम्मी खा लिया जितना खाना था। बनियान वाला फोटो मत खींच। देख अभी भी कह रहे हैं मम्मी को दे दे। मम्मी नहीं खाएगी। गुस्से में देख रही है मम्मी। अरे नहीं वहाँ तो हिसाब किताब बहुत खराब है, इसको पहचान जाएंगे लोग वहाँ पर। क्या हो जाएगा पसंद करता? खूब मारेंगे। अरे ओ इतनी सुंदर हो गया, कहीं तेरे को प्यार तो नहीं हो गया मेरे से? नए नाखून दिखा रही है, फ्लैक्स कर रही है नाखूनों का, गंजी रोने लग गई हुई है। तो रोने से क्या होगा? मत कर, दिखाइए कितना टूटा, दिखाओ। यहाँ पर हाथ लगा के देख ले, पूरा क्रैक आ गया, हाथ लगा यहाँ पर। कहाँ आया ये देख, पूरा तोड़ दिया पागल। तूने खुद ने तो हाथ घुसाया, मेरी गलती है। फेविक से जोड़ ले, तुम्हारे में तो वैसे ही जोड़ देते फेविक से। तुम्हारे में जुड़ तो जाता है, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दियो, फिर क्या हो गया? बात मत कर, बेहतर होगा, मेरे को बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरी जिवांशी वाली लिप बाम को अपने मुंह के अंदर डाल रहा है। कहा है लिप बाम? उसको दे, उसको उसको गिफ्ट कर रही है, उसको गिफ्ट कर। आंटी से मेरा बैग भी छीन लिए, अब सारा सामान ऐसी आगे बिस्तर पे। बैग दे दे वापस, जेब में डाल के ले जा। तू तो बैग क्यों दे रहा मेरा वापस? तेरा थोड़ी है, तो मेरा मैकबुक वाला बैग दे दे। हाँ अब क्या हो गया? उसको लिप बाम दे, नहीं खरीद के देते मेरी मच्छुरा। मम्मी एक इमरजेंसी हो गई है। हाँ लगाना था बॉर्डर कपड़ों पे थोड़ी। विशाल कह रहा है कि मेरे लिए भी दाल चावल पैक कर दो, मम्मी को बोल दे प्लीज। तो मैंने बना दिए, तो पैक नहीं हो सकते? हो जाएंगे, ज्यादा ही बनाए। विशाल के लिए कर सकते हैं। और कौन मांगता है आपसे खाना? स्टोर में है मैडम, उनका डब्बा है, वापस दे। तो स्टोर की मैडम का डब्बा क्यों दे रही है? अपना डब्बा दो ना। और नहीं है ना मेरे साथ। अभी मेरे नेल से देखे रियल है, नकली कसम से, आप ही कसम रियल है। इतनी अच्छी कैसे हो गई? अरे बड़े नहीं कर रही थी मैंने, शेप में करवा ली ना बस इनको। भाई साहब जी आ चुके हैं खाना लेने। नहीं डब्बा ले आई बस ऐसे उठा के। तू खाना मारेगा? डब्बा मारूंगा, खाना खा। इतनी परवाह तो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं करेगी तेरी। फैज भाई आ रहे हैं अभी, फैज मेरे कोई बाहर नहीं चाहिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर उत्तम नगर। तो सुबह उठ जाएगा 6 बजे? ठीक है, कोई सीन नहीं, वापस कर दे। भागे जाऊंगा खाना लेके सच में। चलो बाय। चुका है हमारा खाना और सामने चल रहा है बिग बॉस। तो इसी के साथ साथ आज के व्लॉगिंग पर एंड होता है, मिलते हैं सीधा कल। गुड नाइट, गुड ड्रीम्स, आई लव यू, वी लव यू, बाय।